हेलो एवरीवन। तो आज मैं आया हूँ फार्गो नॉर्थ डकोटा में, और यहाँ पे ये हफ्ते थोड़ा काम है, और अभी मैं जस्ट होटल पहुँचा हूँ। ऑलमोस्ट रात के 10:30 बजने को आ रहे हैं। तो मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ होटल रूम कैसा है, एंड देन फिर कल बहुत इंटरेस्टिंग एक गाड़ी मिली है रेंटल। तो उनके पास कुछ गाड़ी और बची नहीं थी, तो उनने मुझे दी है डॉज चैलेंजर रेड कलर की। आई गेस बहुत पावरफुल स्पोर्टी कार है। कल देखेंगे, और मैं अभी आपको रूम दिखाता हूँ कैसा है। एंड देन गुड बेड्स। अच्छी चीज़ ये कि ये टीवी में नेटफ्लिक्स और स्मार्ट टीवी है, क्योंकि मैं 5 दिन रुकने वाला हूँ यहाँ पे। तो आप यूट्यूब वगैरह देख सकते हो, नेटफ्लिक्स देख सकते हो, और स्क्रीन शेयर भी कर सकते हो। प्लस ये है रूम, सो गुड रूम। मैं जा रहा हूँ एक टैंक मैन्युफैक्चरिंग, उनकी साइट पे जा रहा हूँ, और ये है साउथ डकोटा का एरिया, और काफ़ी प्लेन प्लेन सड़कें हैं यहाँ पे। जैसे रेनो नवाडा में था वैसा ही है, पूरा एग्रीकल्चर स्टेट्स हैं नॉर्थ डकोटा साउथ डकोटा, तो दोनों तरफ खेत हैं एंड ट्रक्स बहुत जा रहे हैं क्रॉप्स वगैरह लेके, हार्वेस्ट लेके। मैं चला रहा हूँ डॉज चैलेंजर, और ये गाड़ी सही में बीस्ट है। इसमें आप 75 यहाँ की स्पीड लिमिट है, आप इसमें 75-80 के आसपास पहुँच जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी स्मूथ गाड़ी है और बहुत ही ज़्यादा पावर है इसमें। दिखाता हूँ आपको आगे कैसा दिख रहा है। मैं हालांकि डॉज चैलेंजर लेना नहीं चाह रहा था, ये मेरी फ़्लाइट डिले हो गई और बहुत लेट मैं पहुंचा, अराउंड 10:30 रात में। तो यहाँ पे नॉर्थ डकोटा में सब कोई प्रेफर करते हैं कि ऑल व्हील ड्राइव ली जाए, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ गिरती है, प्लस यहाँ पे कभी कभी फ्लड्स भी आते हैं, स्प्रिंग फ्लड्स वगैरह भी आते हैं, बारिश भी आती है, अचानक से वेदर चेंज हो जाता है इधर। तो इस वजह से लोग ऑल व्हील ड्राइव लेना ज़्यादा पसंद करते, ताकि कहीं फंस ना जाए। बट मुझे यही उनने दी, क्योंकि यही बचा था उनके पास, और ठीक है चला के देखते हैं। मुझे बहुत दूर नहीं जाना है कहीं पे भी, आज ही मेरा बस सबसे फार्देस्ट ड्राइव है, अदरवाइज़ मेरा सिटी में ही ड्राइव है, तो होपफुली इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अपना विजिट से। मैं अभी फार्गो की तरफ ड्राइव कर रहा हूँ, मैं साउथ डकोटा में हूँ, मैं जा रहा हूँ वापस नॉर्थ डकोटा जहाँ मेरा होटल है। तो बीच में एक यहाँ पे स्टेट पार्क है, उसका नाम है हार्टफोर्ड स्टेट बीच पार्क, एंड या फिर हार्टफोर्ड बीच स्टेट पार्क, सॉरी स्टेट पार्क है वो। तो वो देखने के लिए मैं सोचा एक बार देख के आते हैं क्या है। यहाँ जनरली एग्रीकल्चर स्टेट है, तो इट्स फ्लैट लैंड एंड पूरा आप दोनों तरफ हाईवे के, आप इंटरस्टेट के दोनों तरफ देखोगे तो बस एग्रीकल्चर ही है, पूरा क्रॉप्स ही क्रॉप्स हैं हर जगह, मोस्टली कॉर्न वीट यही सब होगा इधर। एंड इसके बीच में एक बीच स्टेट पार्क, आई एम क्यूरियस टू नो, मुझे लग रहा है रिवर बीच होगा कोई, बीच में बहुत छोटी छोटी ब्रूक्स ज़रूर आई थी, तो पता नहीं कैसा, आई एम क्यूरियस टू सी कैसा रहेगा ये स्टेट पार्क। थोड़ा सा इसके लिए मुझे डाइवर्जन लेना पड़ा, आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू कैसा है। We are 6 minutes away from the state park. देख सकते हो आप दोनों तरफ बस फसलें ही हैं, जो अभी तो नहीं है बट खेती खेत है, और ये इंटरस्टेट नहीं है, ये सिटी के अंदर का रोड है। ओके, सो यहाँ पे
$8 मिनिमम फी थी पर डे के हिसाब से, और यहाँ पे कैंपिंग है, फिशिंग है, हंटिंग है, उसके लिए आपको पैसे देके उसका रजिस्ट्रेशन कराना है। बट ये मशीन इनकी आउट ऑफ ऑर्डर है, तो मैंने पैसे तो दे दिए लेकिन वो रिसीट निकली नहीं जो डैशबोर्ड पे लगानी थी पार्किंग की। चलो आगे जाके देखते हैं, अगर कोई, मैंने स्नैप फोटो खींच ली है उसकी कि आउट ऑफ ऑर्डर चल रहा है इसलिए नहीं हो पाया। और कॉल किया तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप क्या खरीदने आए हो, फिशिंग लाइसेंस या हंटिंग लाइसेंस। मेरे को तो खाली डे पास चाहिए था, इनमें से एक भी नहीं। तो आगे जाके देखते हैं क्या है। ये है वो पे बूथ और हम अभी एंटर कर रहे हैं स्टेट पार्क में। I've given up all the reasons why. तो सामने लिखा हुआ कैंपिंग, पिकनिकिंग, बोट रैंप एंड स्विमिंग। कैंपिंग इस तरफ है राइट साइड, बाकी सब लेफ्ट साइड है। तो चलो लेफ्ट साइड चलते हैं, मतलब पिकनिकिंग करनी है। पार्क बना रखे हैं आसपास, बहुत ही सुंदर। तो हम पहुंच गए हैं, ये है गाड़ी डॉज चैलेंजर, ये भी दिखाऊंगा अभी आपको। बट सामने का व्यू, मैंने इसको थोड़ा रिसर्च किया, ये रिवर नहीं है, ये लेक है और इस लेक का नाम है बिग स्टोन लेक। देखो आप, no need to say that you're sorry, just to please me, release me. बोट चला रहा है या जेट स्की है क्या है, बोट जैसी लग रही है, बहुत दूर है वो। जूम किया हुआ है कैमरा और उस तरफ घर है बहुत सुंदर सुंदर बीच के पास। नाइस एरिया। वो अपनी गाड़ी रेंटल कार चमक रही है लाल रंग। यहाँ पे एक बीच एरिया है छोटा सा और ये बेंचेस लगी हुई हैं बैठने के लिए। पिकनिक स्पॉट है अच्छा, ग्रिल वगैरह बने हुए हैं बारबेक्यू के लिए, तो अच्छा, काफ़ी अच्छा एरिया है, साफ सुथरा। ये इतनी पावरफुल गाड़ी है, अगर आप इसमें 80 में जा रहे हैं आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत सुंदर लग रही है। अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊं, एक ही शीशा है इसमें, एक ही दरवाजा है, तो पीछे बैठने के लिए ये चेयर आगे पूरी करनी पड़ती है। और वर्स्ट पार्ट ये कि इसमें मैनुअल आगे नहीं होती, यहाँ से ही आपको ऐसे इलेक्ट्रिकल आगे करना पड़ेगा सीट, बट काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। इसकी सनरूफ है, डिक्की काफ़ी बड़ी है, इसमें बहुत अच्छी चीज़ ये है। हाईवे में जब चल रहे हैं और आपकी स्पीड लिमिट 80 है तो बहुत सारी जो SUVs भी हैं वो शेक करने लग जाती हैं। जब आप 80-85 में चलते हैं तो हवा से ही, वो थोड़ा भी हवा अगर तेज़ है, क्रॉस विंड चल रही है, तो वो इधर उधर होने लग जाएंगी अपनी लेन से। वेट अगर ज़्यादा नहीं रहता, इस गाड़ी का वेट ही इतना है, प्लस बहुत पावरफुल गाड़ी है
और ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम है इसका, ये ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी है, ना ही ये ऑल व्हील ड्राइव है, बट इट इज़ मोर फॉर अ स्पोर्टी काइंड ऑफ अ लुक एंड फील। और स्पीड बहुत जल्दी पकड़ती है, एक्सीलेटर में पैर रखते ही एकदम भागती है गाड़ी। ठीक है, तो अब निकलता हूँ होटल को और फार्गो में, और फिर रास्ते में अगर कुछ आएगा तो आपको दिखाते हैं, और वहीं होटल जाके फिर बात करते हैं। ओके, तो फार्गो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं, होटल पहुँच जाऊँगा थोड़ी देर में। मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है डोरडैश से, तो खाना बाय द टाइम हम होटल पहुँचेंगे खाना वहाँ ऑलरेडी पहुँच गया होगा। ये देखो आप कैसे लैंडस्केप है यहाँ का, पूरा फ्लैट लैंड है, और अभी सिटी आ गई है तो इसलिए थोड़ा ट्रैफिक मिल रहा है, नहीं तो पूरी खाली खाली रोड्स थी। चलो होटल जाके देखते हैं क्या है। ओके, तो रूम में पहुँच गया हूँ मैं अभी, और रूम काफ़ी क्लीन व्लीन कर रखा है इन लोगों ने, खाना आ चुका है, मैं जस्ट बाहर ही खड़ा था डैशर। दिखाता हूँ आपको क्या यहाँ पे मिला, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ होगा साउथ डकोटा में, नॉर्थ डकोटा में वो है, और उसके अलावा खाना भी अच्छा, देखते हैं क्या है। सो लुक, खाने में मैंने मंगाया मोमो, ये तो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं था, मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ कि यहाँ मोमो कैसे मिल रहा है। ये है वेज मोमो, ये है गोभी मंचूरियन, दिस इज़ कॉमन, हर जगह मिलता है यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट में, और इसके साथ मैंने एक राइस मंगाया, बट मोमो वॉज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड। अनलेस कोई नेपाली रेस्टोरेंट हो, इंडियन रेस्टोरेंट में जनरली नहीं मिलता। पहले तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि यहाँ मोमो मिलेंगे, अच्छी फीलिंग है, मैंने खा के देखा अच्छा है, चटनी भी अच्छी है, इंडिया का क्वालिटी नहीं है बट यहाँ के हिसाब से इट्स गुड, एंड मंचूरियन भी अच्छा है, टेस्टी है, सो इट्स अ गुड रेस्टोरेंट। अगर आप कभी फार्गो आए और आप US में हो और ये व्लॉग देख रहे हो, फार्गो कभी आए तो ये रेस्टोरेंट में खा सकते हो, पैसेज टू इंडिया। ओके, तो मेरा ट्रिप यहीं ख़त्म हो रहा है, और मैं कल जा रहा हूँ वापस वाशिंगटन के लिए, तो नेक्स्ट कभी हैपनिंग किसी जगह पे जाऊँगा, वहाँ मुझे लगा कि लैंडस्केप वगैरह अच्छा है, तो वो वीडियो में मिलते हैं आपको, और तब तक के लिए बाय।